हेलो लवली एंजल्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखते हैं टैरो क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। ओके, नाइट ऑफ वांड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। ओके 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 ओके, दो कार्ड्स हैं हमारे पास, हमें फाइव कार्ड चाहिए। नाइट ऑफ कप्स, एट ऑफ वांड्स। ओके, एक कार्ड आई गया हमारे पास, द हैंगमैन। देखो बॉटम की एनर्जी है, बहुत जल्दी आपके पार्टनर आपको अपना प्यार ऑफर करने वाले हैं वापस से, ठीक है। यहाँ पर टैरो ने कुछ ब्लॉकेजेस बताए हैं आपके रिलेशनशिप के लिए, हम उसी के ऊपर देखते हैं। नाइट ऑफ वांड्स, आपके पार्टनर आपकी तरफ बहुत जल्दी बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट लेकर, कमिटमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, लेकिन जो ब्लॉकेज है वो है थ्री क्वीन ऑफ सोर्ड्स। कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है, कोई भी कंट्रोलिंग एनर्जी हो सकती है वो आपके रिलेशनशिप में, जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है, ये ब्लॉकेज है। लेकिन यहाँ पर खुशी की बात यह है कि यहाँ पर फाइव ऑफ सोर्ड्स है, जो कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पार्टनर की लाइफ में, उससे आपके पार्टनर झगड़ा करेंगे, दूरी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्हें आपकी तरफ आना, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रही है, ये आपके पार्टनर को एहसास हो रहा है। इस बात की आपके पार्टनर को अच्छे से जानकारी है कि जो क्वीन ऑफ सोर्ड्स है, कोई फीमेल है कंट्रोलिंग एनर्जी, जो आपके पार्टनर को आपकी तरफ बढ़ने से रोक रही है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी से, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, कोई फीमेल है, क्या कोई बिजनेस है, कुछ भी आपके पार्टनर के थॉट्स, लेकिन यहाँ पर अगर उनके थॉट्स भी हैं तो उनके थॉट्स के साथ वो झगड़ा करेंगे, मतलब आपके लिए पॉजिटिव करेंगे खुद को। यहाँ पर थर्ड पार्टी से झगड़ा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी, जैसे थर्ड पार्टी से झगड़ा होगा आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, आपकी तरफ आएंगे ज़रूर, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं आपके पार्टनर, जो भी सोच रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब आपके साथ आना तो चाहते ही हैं, साथ में आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं, आपको ब्लॉक किया हुआ है गाइज यहाँ पर, तो ब्लॉक अनब्लॉक करेंगे। लेकिन आपको यहाँ पर अपने थॉट्स को कंट्रोल कर रहना है, आपको सिर्फ यहाँ पर इस एनर्जी में रहना है कि आपको आपके पार्टनर से प्यार और कमिटमेंट रिसीव करना है, ना कि आपको कोई आर्ग्यूमेंट करना है। इस एनर्जी को अपने अंदर रखिएगा ज़रूर से, ठीक है। बहुत जल्दी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी और कंट्रोलिंग एनर्जी से निकल कर आपकी तरफ वापस एक ऑफर और प्यार लेकर आ रहे हैं। ओके,